चलिए दोस्तों, देखा आपा राजस्थान री राजनीति के माँ के बदलाव होने लग रहा है। थाने पहले बता दें, बीजेपी पार्टी में के खेल होया है। राजस्थान के माँ कांग्रेस पार्टी री गुटबंदी रे बीच में भाजपा में शामिल हो चुके हैं 17 नेता। ऐ थाने बता दें, जयपुर के माँ सीपी जोशी और प्रतिपक्ष रा नेता राजेंद्र ठौर और अन्य आला लीडर के माँ पूर्व जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ का रहने वाला है एसपी सिंह बादरा जी का रहने वाला है, वह बीजेपी में शामिल हो गया। अनूपगढ़ से विधायक कामरेड रायडा पवन गुदुगल, वह भी विधायक रायडा, वह भी बीजेपी में शामिल होगा। काफ़ी लंबे समय तक वह किसान आंदोलन में जुड़ा है और गढ़साणा आंदोलन जिको है बिंगे माँ है जुड़िया रहा। पवन दुग्गल फिर कामरेड भी पार्टी में विधायक भी रहा, लेकिन अब जो कहे बीजेपी रो हाथ थामली हुआ है, दामन थामली हुआ है। और दूसरी तरफ देखा मांगी पत्नी पूर्व प्रधान रायड़ी है रानी दुग्गल, वह भी बीजेपी में आ गई है। और विष्णु बांबू पूर्व एमएलए कांग्रेस पार्टियों और नाता तोड़ शिवचरण कुशवाहा, रविंदर सिंह विवेक बीएसपी से लल्लू राम बैरवा और रिंकी वर्मा, पूर्व सांसद धन सिंह रावत, इस तरह सारा मिलार आप देखा तो 17 नेता बीजेपी के माँ आ गया है। इनमें पूर्व आईपीएस अधिकारी भी है और 4-5 आईएएस अधिकारी भी है जिनका बीजेपी में शामिल हो रहा है। और बीजेपी के माँ आज का शामिल होना बाद दूसरी तरफ कामरेड पार्टी की बात कर लें चाहे कांग्रेसी पार्टी की बात कर लें, बैठक खलबली जरूर मची है कि यह 17 नेता एक साथ है बीजेपी बाजर क्यों गया है। बिंगी अब समीक्षा भी यह पार्टियां जठवा बाज के है वह कर लग रही है। दूसरे पासे आपा कांग्रेस पार्टी की तरफ नज़र जुड़ावा तो बांगे माँ जी की गुटबंदी है वह ख़त्म कोनी हुई। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विरुद्ध बोलन पर राजेंद्र गुंडा ने अपनो खतरो उठानो पड़े हो, महंगो पड़े है और बान्य मंत्रिमंडल में बर्खास्त कर दिए गए हैं। राजेंद्र गुंडा हालांकि पहले भी बोलता रहा, विधानसभा के माँ वह बोलिया कि राजस्थान के माँ महिलाओं पर अत्याचार होने लग रहा है और कांग्रेस पार्टी की सरकार वह महिला पर होना अत्याचार पर की कोनी करे, हाथ पर हाथ धरी बैठी है। जिये ही आ बयान आयो, जिये ही वह बोलिया ब्यू बाद अशोक गहलोत हो गया खफा। वह आपने पीए ने बुलायो फटाफट एक कार्ड की चिट्ठी और राज्यपाल ने भेज दी फटाफट गाड़ी दुड़ार वठों भेजी कि आने जल्दी बर्खास्त कर दियो। राजेंद्र गुंडा ने बर्खास्त कांग्रेस पार्टी के मंत्री पदों कर दिए गए है, लेकिन राजेंद्र गुंडा है अब चर्चा का विषय राजस्थान में बनने वाला है। वह आई बयान दियो है कि विधानसभा के माँ विधानसभा चलन लाग रही है, बिंगे माँ मैं करूँगो बड़ो धमाको धमाको वह के करेगा तो देखने वाली बात है। लेकिन राजेंद्र गुंडा ही कहो है कि कांग्रेस सरकार के माँ के होने लाग रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार होने लाग रहे है के कांग्रेस का लीडर करने लाग रहा है। यह तरह का सूत्र बतावे कि बड़ो वो धमाको करने वाला है, विधानसभा के माँ बोल सी विधानसभा में बोलना रोक को नहीं सका क्योंकि विधायक तो वह है ही, मंत्री पदों बर्खास्त करो है। और अब कांग्रेस पार्टी के माँ अभी चर्चा चालन लाग रही है कि राजेंद्र गुड्डा का के कराब इन चुपकियाँ करावाएंगे मुंडो की बंद करा। पहले तो सामने देखा तो 2 साल लगभग पायलट से के रखो, अब आ राजेंद्र गुड्डो एक नयो ही मसलो पैदा कर दिया है, एक नई एक तरह बीमारी कांग्रेस पार्टी ने ले बैठेगी आई लग गए। लेकिन राजेंद्र गुड्डा कहे मैं चुप को नहीं करूँ, मैं सारा पतड़ा खोलूँगा। अब पतड़ा के खोल सी है तो समय बता लो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के माँ खलबली मचड़ी है और कई जी का दूसरा विधायक है वह भी राजेंद्र गुड्डा के संपर्क में बताया गया है। बीएसपी का जी का विधायक है वह भी राजेंद्र गुड्डा सागे घूमता देखा गया है। अब यह चर्चा में है कि केठा राजेंद्र गुड्डा कई एमएलए लेर बाजना जावे आ भी है। और आज को मसलो उठ्यो वो राजेंद्र गुड्डा ही कहो कि विधानसभा के माँ बोलियो
कि मणिपुर के मां जी की घटना हुई है, बीजेपी रिवट सरकार है, वहाँ महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है बी पर तो कांग्रेस खुलर बोल रही है। चाहे हम राहुल गांधी की बात कर लें, प्रियंका गांधी की बात कर लें, सोनिया गांधी की बात कर लें और खड़गे जी की बात कर लें, यह तमाम नेता अशोक गहलोत की बात कर लें, तमाम नेता खुलर बोलन लाग रहे हैं कि बठा मणिपुर में आग लगन लाग रही है, बीजेपी की को नहीं कराए। और जयेंद्र गुड्डा बोलियो कि मणिपुर की घटना में तो इतना कांग्रेसी लीडर बोलन लाग रहे हैं, राजस्थान के माँ जी को है आंकड़ों बढ़े हुआ है, महिलाओं पर अत्याचार आंकड़ों बढ़े हुआ है, राजस्थान के माँ कांग्रेस सरकार होता तखा फिर भी कांग्रेस सरकार की को नहीं करे, बांगा आंकड़ा बढ़ता जान लग रहा है, कार्रवाई को नहीं करे, पुलिस जो है मनमानी करे, भ्रष्टाचार करे, इन पर कांग्रेस पार्टी जी की है कांग्रेस की सरकार होता तखा अठे कार्रवाई क्यों को नहीं होने लग रही। बस आ बात कहता ही शोक गहलोतरा पारो चढ़ गयो, बात चिट्ठी लेखर मंत्रिमंडल ने काट दी है। बिया थाने बता दिया राजेंद्र गुड्डा चुप रहने वालों को नहीं, वह बोले तो घणो ही है और वह आगे के कर सी आ भी समस्या रही ली। बीजेपी जो है ई तमाशा देखने लाग रही है, बीजेपी तो अंदर ही अंदर लाडू सा फूट रहा है, बीजेपी खुश होने लाग रही है कि राजेंद्र गुड्डा पार्टी छोड़ के ना अपने करने आ जाए या फिर कांग्रेस पार्टी के माँ कोई नयो खेलो कर दे, चार पाँच चार बाजर ले जाए तो भी ठीक है, बीजेपी जरूर इन पर खुश नजर आने लाग रही है। कांग्रेस पार्टी में मायूसी जरूर है कि अब राजेंद्र गुड्डा ने चुप किया करावांगा, बिंगो मुंडो बंद करनो आसान को नहीं, बड़ो खतरनाक है बिंगो मुंडो जी का बोल काट है। इस वास्ते अब देखने वाली बात आई है कि एक तरफ तो 17 नेता बीजेपी में आ गया है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में खलबली फेर मचा रखी है और अंदर ही अंदर जिका है वह खतरे की घंटी जरूर बाजन लाग रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ए तमाम बातों का जवाब मीडिया के सामने दिया है और मीडिया के सामने आ ही कहो है कि यह जिका कयास लगा रहा है कांग्रेस पार्टी में खलबली मचाण की बीजेपी की चाल है, हो सके बीजेपी आला आने की ऊंच नीचो कैर आगे कर दियो हो वह अपनों फायदा सोचे इस तरह की जिकी है आरोप बीजेपी पर अशोक गहलोत लगाया। अब देखने वाली बात आई है कि कांग्रेस पार्टी के माँ इंज की समस्या नहीं आ खड़ी हुई है, इन्हें सल्टन खातर के करे जाओ, राजेंद्र गुड्डा कौन सो खेल करेगो के धमाको करेगो ऐ भी आपा देखा ला, फिर थाने जुड़ बतावागा कि राजेंद्र गुड्डा मंत्री पदों बर्खास्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध विधानसभा के माँ के धमाको करे तो गुरदेव सिंह सैणी तरफ सगला ने राम राम।